डेकोरेशन लाइट। अगर दी वर डेकोरेशन लाइट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो जल्दी से हम इसको बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के लिए लाइक दबा दीजिए। तो हम चलते हैं लाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस खराब पड़ी इस ट्यूबलाइट से हम एक शानदार लाइट बनाने वाले हैं, डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन लाइट। किस तरह से ये बनती है, तो इस तरह की हमारे पास बहुत है लाइट है, आप चाहे तो बना सकते हैं कौन से भी। तो दोस्तों, हम इस खराब ट्यूबलाइट लाइट से बनाने वाले हैं एक मज़ेदार डेकोरेशन लाइट, तो जल्दी से इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये इस तरह की ट्यूबलाइट लेंगे और इसको इधर से हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्कर से इधर मार्क कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इसको पूरा कट करेंगे यहाँ से। राउंड हम शेप बना देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम मार्कर से इसको यहाँ से हमने मार्क कर दिया है, हम अब इस कटर से यहाँ से काट देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे पूरा राउंड में। तो दोस्तों, ये कट हो चुका है, अब हम इस सारे सिरे को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अंदर से खाली है इस तरह का, इसको हम, ये ख़राब है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। और अंदर से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये अंदर एक पाइप है, इसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम एक चेक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये अंदर से पूरा हो चुका है खाली, अब हम इस पे से पूरा हमने कर दिया है इस तरह का। और दोस्तों, इसके अंदर एक गैस आती है, तो यहाँ पर गैस भरी हुई थी, वो सारी निकल चुकी है। और ये अंदर से पूरा हम साफ कर देंगे वाइट वाइट को, इस तरह का अंदर पाउडर लगा होता है, और इस पाउडर को हम पूरा साफ कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए। तो ये बहुत ही शानदार से हम इसको काटेंगे, तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो एक कपड़े से हम इसको अंदर को पूरा साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा अंदर से फूट चुका है, तो इस कांच को हम अलग कर देंगे, तो ये पूरा वेस्ट है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों, सेफ्टी से किया हमने ये। तो इस वाले वेस्ट मटेरियल को हम बाहर फेंक देंगे, ये कुछ काम का नहीं है। तो इसमें से हम कपड़े से पूरा साफ कर देते हैं इसको अंदर से। तो दोस्तों, हम इस तरह से इस कपड़े से हम पूरा साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस पाइप को अच्छे से कपड़े से साफ कर दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा पाइप साफ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्टैंड तैयार करेंगे, इसके ऊपर ये ट्यूबलाइट अच्छे से टिक पाए। तो जल्दी से हम इसका स्टैंड बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक खाली कार्डबोर्ड का बॉक्स, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये पूरा बॉक्स जैसे बन चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का। तो इसके अंदर हम कुछ सर्किट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह का बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर ये इस तरह की ये ट्यूबलाइट यहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों, जल्दी से हम बनाते हैं।
तो इसके लिए हमें चाहिएगा। तो दोस्तों हमारे पास है ये एक मल्टी कलर 12 वोल्ट एलईडी लाइट स्ट्रिप, तो इसमें से हम एलईडी लाइट को बाहर निकाल देते हैं। ये मल्टी कलर है तो नॉर्मल लाइट जैसे ही आती है इस तरह की, तो इस तरह की आपको मार्केट में मिल जाती है बहुत सारी। एलईडी लाइट को हम एक तरह से बाहर निकाल देंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों ये है हमारे पास लाइट, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं पूरा। इस एलईडी लाइट को हम लगाने वाले हैं इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर, तो जल्दी से हम इसको पूरा निकाल देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस लाइट को हमने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा। तो दोस्तों इस तरह से ये वायर इससे कनेक्ट है, दो वायर। तो हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लोहे की छड़ इस तरह की, ये पूरी लोहे से बनी हुई है, तो इसके ऊपर हम सभी एलईडी लाइट को लगा देंगे इस तरह से। तो डायरेक्ट हम इसके अंदर डाल देंगे इसको, तो इस तरह से हम इस एलईडी लाइट को इसके ऊपर लपेट देते हैं पूरा। तो ये काफ़ी बड़ी एलईडी लाइट है, तो हम इस तरह से पूरी एलईडी लाइट को इस पट्टी के ऊपर लाइट डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी इस तरह से लपेट देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टैप लगा देते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर टैप लगा दिया है, अब हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से इस पाइप के अंदर हम इस एलईडी लाइट को पूरा डाल देते हैं इस तरह से, पूरा इसके अंदर हम डाल देंगे एकदम सावधानी से। तो ये पूरी लाइट इसके अंदर फिट हो जा रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत भारी है। तो ध्यान से हम इसको लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे हम, इस तरह का आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, अब इसके अंदर पूरा इसको हम फंसा देंगे। तो हमने लिया एक कार्डबोर्ड का, ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर हम एक छेद कर देंगे। ये हम मार्कर से पूरा राउंड बना देते हैं इस तरह का, तो ये ट्यूबलाइट इसके अंदर अच्छे से फिट हो सके, तो इसको हम काट देते। तो हमने सर्कल बना दिया इसके अंदर, अब इसको हम फंसा देते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों वायर को इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से, और इसको हम इसके अंदर इस तरह से हम लगा देंगे। तो हमने इस पाइप को डाल दिया इसके अंदर, अब हम इसके अंदर कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक 12 वोल्ट रिले सर्किट इस तरह का, आप देख सकते हैं जो इसमें हमने कैपेसिटर भी लगा दिया है। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एक बटन लगा देते हैं ऑन ऑफ का। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वायर लेंगे कुछ इस तरह के, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों वायर को हम इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। दोनों हमने कनेक्ट कर दिया है, अब हम इससे सीरीज में वायर को कनेक्ट कर देते हैं। दोनों वायर को खींच लीजिए इस तरह से, कनेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर टैप लगा देते हैं, सेलो टैप। तो ये घर पर आप इसे बड़ा आसानी से बना सकते हैं, दिवाली डेकोरेशन लाइट इस तरह की। तो अब हम इस बॉक्स के यहाँ पर हम इस मार्क कर देते हैं मार्कर से, तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा इसका तरह का। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्रुप कट कर लिया है। तो इसमें हम एक सबसे पहले एक वायर को हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से इस चीज को हम डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया ये फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसके अंदर लग चुका है। अब हम दोस्तों वायर को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये नेगेटिव और पॉजिटिव वायर, तो कुछ इस तरह से आपस में टैप को चिपका लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये दो वायर बचे हुए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे होल कर दे, छेद कर देंगे और सिंपल बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हमने छेद कर दिया है दोनों वायर को, हम वायर को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह के हमारे पास ये दो वायर है, तो सिंपल दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों वायर से। फिर हम यहाँ पर टैप लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये लाइट आप बना सकते हैं घर पे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों हम इसको चलाने वाले हैं 12 वोल्ट पे, ये लाइट 12 वोल्ट पे चलेगी। तो दिवाली पे ये बहुत ही अच्छे से आप इसे यूज ले सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड है, तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ हमने टैप लगा दिया है। तो ये पूरा तैयार हो चुका है टैप से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। वायर को निकाल देने के बाद अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर पाइप को। वायर को हम इसको इस तरह से पैक कर देते हैं, तो ये पूरा बॉक्स इस तरह से पैक हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब हम ग्लू की सहायता से पूरा चिपका देते हैं पूरे को। तो यहाँ पर हम ग्लू लगा देते हैं, तो हॉट ग्लू को हम गर्म कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस बॉक्स को टैप की सहायता से पैक कर देते हैं। तो इस वायर को हम डाल देते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम टैप को चिपका लेते हैं। तो इस तरह से वो ये हमने टैप को चिपका दिया है। तो ये वाले सिरे को हम इस तरह से काट देते हैं बाकी बचा हुआ। अब हम यहाँ पर टैप लगा देंगे। ये सेलो टैप है दोस्तों, ये आपको दुकान पे मिल जाएगी बड़े आसानी से। इस तरह से ये पूरा बॉक्स बन चुका है और ये वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चिपका लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा बॉक्स बनके रेडी हो चुका है इस तरह का। तो अब हम यहाँ पर हॉट ग्लू से पूरा इसको भर देंगे। तो हम जल्दी से हॉट ग्लू लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ग्लू से पूरा चिपका देंगे। हॉट ग्लू को हम पूरा यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको चिपकने देते हैं, तो ये लाइट बन के पूरी रेडी हो जाएगी बाद में। फिर अब हम टेस्टिंग करेंगे इसकी, तो जैसे हम चिपकने देते हैं फिर आपको बताते हैं।
तो दोस्तों ये लाइट आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।